पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेज़ी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। जैसे कुछ दिन पहले तक, मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे, उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। पहले 2 दिन लगभग 8-8,500 केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए हैं। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नज़र रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ और जो भी करने की ज़रूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया, हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है, अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये चौथी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं, जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए उसमें बेड नहीं मिल रहा। वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए। ऐप सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप से आप लोग देख लीजिए कि किस अस्पताल में बेड की ज़रूरत है और कहाँ। तो सीधे मरीज को उधर ही लेके जाओ, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग केवल प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बेड थोड़े कम होते हैं। अब दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने मिलकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार कर दिया है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, पैसे वाले लोग भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए,
सरकारी अस्पतालों में जाएंगे वहाँ भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं, अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए अस्पताल कम पड़ जाएंगे, अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन होम आइसोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए आप। तो इसमें आप सब लोगों की, मेरे को सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो अस्पताल मत जाइए, अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए। कुछ लोगों के मन में, जैसे अभी दो पूरे देश भर से रिपोर्ट आई, एक अस्पताल में 37 डॉक्टर्स जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, दोनों डोज लगी थी, उनको भी कोरोना हो गया। एक और उत्तर प्रदेश से एक अस्पताल से रिपोर्ट आई, एक महाराष्ट्र से एक अस्पताल से, कि कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली उसके बावजूद भी कोरोना हो रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा है? तो मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई डॉक्टर से बात की, उन सब का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने से आपको सीरियस बीमारी नहीं होती, कोरोना दोबारा हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको मास्क पहनना चाहिए, सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो मैं फिर से आप सबसे यही अपील करूंगा कि बड़ा कठिन दौर है और सब लोग, मैं समझता हूँ कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के अंदर जैसे पिछले तीन पीक दिल्ली वासियों ने जम के इसको ठीक किया था, इस बार भी सब मिलके चौथी पीक का मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।